हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास नाइन्थ गुजराती और इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट जो है हिंदी आता है सेकंड लैंग्वेज गुजरात बोर्ड वाले बच्चों के लिए बना रहे हैं पार्ट थ्री पार्ट वन और पार्ट टू अगर आपने नहीं देखा है तो इसका पार्ट पहला और दूसरा आप देख सकते हैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट थ्री हमें दिया गया है क्या निराश हुआ जाए ठीक है क्या निराश हुआ जाए क्या हमको मतलब उदास होना चाहिए ऐसा दिया है अब ये निबंध जो है वो हजारी प्रसाद त्रिवेदी के द्वारा लिखा गया है तो चबाट शुरू करने से पहले हम इनके बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म आ, बलिया उत्तर प्रदेश जिले के डूबे का छपरा नामक गाँव के अंदर हुआ था पारिवारिक परंपरा के अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य उत्र, की परीक्षा उत्तीर्ण की यानी पास की गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में 1940 में ईस्वी सन उन्नीस तक हिंदी भवन के निदेशक भी रहे तत्पश्चात उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वाराणसी एवं वाराणसी मतलब यहाँ पे बनारस से है एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर उन्होंने कार्य भी किया भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी उपाधि से सम्मानित भी किया हिंदी साहित्य जगत में त्रिवेदी एक निबंधकार उपन्यासकार समालोचक शोधकर्ता इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं अशोक के अशोक के फुल विचार प्रवाह कुटज कल कलपलता आदि निबंध संग्रह बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्वा उसके बाद लेख आनंद दास का पौधा उपन्यास तथा कबीर सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल साहित्य सहचर हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोच आलोचना तथा इनके इतिहास ग्रंथ हैं प्रस्तुत निबंध में त्रिवेदी ने यह समझा त्रिवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्यक्त जो अनाचार यानी कह सकते हैं जो बुराइयां जो हैं वो केवल भारी स्तर पर हैं वास्तव में आज भी लोग लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है ठीक है मानवीय मूल्य यानी जो लोगों क्या कह, कह सकते हैं अच्छे से व्यवहार करना वो चीज़ अपने जीवन में घटित हुई कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है हमें निराश नहीं होना चाहिए अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए तो ये इनके इनके, इनके इंट्रोडक्शन में था हरि प्रसाद त्रिवेदी के इंट्रोड पार्ट के अंदर तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें आ, क्या निराश हुआ जाए ये पाठ शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे इसके शब्दार्थ तो जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला दिया तस्करी तस्करी मतलब चोरी मनीषी मतलब पंडित मेधावी माहौल मतलब परिस्थिति वातावरण निरी मतलब निराधार फरेब मतलब धोखा करना भिरु मतलब कायर उसके बाद आलोड़न यानी मथना या फिर कह सकते हैं दूसरा यहाँ पे दिया है हिलोरना निकृष्ट यानी अधम नीच गुमराह यानी भूला हुआ पैमाना यानी मापदंड दकिया नोशी नू, यानी पुराने ख्यालात वाला त्रुटि मतलब कमी निकालना गलतियाँ निकालना कतार मतलब यहाँ पे कातर मतलब होता है लाचार ठीक है और एक कतार मतलब होता है लाइन कह सकते हैं आप फिर मुहावरे यहाँ पे दिए गए हैं मन बैठ जाना यानी उदास होना मन मारना फलना फूलना यानी समृद्ध होना विकसित होना विकास होना पर्दा फाश करना यानी भेद खोलना किसी पे उजाला डालना ज्योति बुझना यानी क्या होता है मरना ठीक है इंसान की जान चली जाना कातर ढंग से देखना यानी भयभीत होकर देखना उदास होकर देखना तो चलिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे डायरेक्ट हम पाठ शुरू करते हैं मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्र में ठगी डकेती चोरी तस्करी भ्रष्टाचार के समाचार से भरे रहते हैं कौन समाचार के पत्र आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है यानी कोई आरोप लगाता है कोई उस आरोप का यहाँ पे उस पर फिर वापस आरोप लगाता है ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है जो जितने ही ऊंचे पद हैं उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई दिए जाते हैं, दिखाई दिखते हैं पर दिखाई दिखाई जाते हैं या फिर दिखते हैं बहु एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे उसके सारे गुण भूल मतलब भुला दिए जाएंगे दोषों को बढ़ाकर बड़ा चढ़ा कर, कर दिखाया जाने लगेगा दोष किसमें नहीं होता यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है गुणी कम या बिल्कुल नहीं है स्थिति अगर ऐसी है कि तो निश्चित निश्चय ही चिंता का विषय है जाहिर सी बात है हर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है उसमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ की कमी गलतियाँ हैं क्या यही भारतवर्ष जिसका सपना तिलक और यानी बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी ने देखा था रविन्द्र ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहवर में डूब गया आर्य और द्रविड हिंदू और मुसलमान यूरोप भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या भूख ही क्या सुख ही गया मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता हमारे महान जो यहाँ में मनीषियों यहाँ पे कह सकते हैं ऋषि मुनियो जो आए के सपनों का भारत है और हमेशा रहेगा ऐसा कवि कहते हैं यह सही है इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले यानी निरीह मतलब जीवन बिताने वाले भोले भोले श्रमजीव पिस रहे हैं यानी श्रम जो बेचारे मेहनत करके कमाते हैं वो और झूठ फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं जैसे नेता वगैरह ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगता है यानी जो ईमानदार होता है उसे मूर्खता मतलब मूर्ख समझा जाता है जबकि के सच्चाई केवल भीरू और बेवश लोगों से ही बेवश लोगों के हिस्से में ही पड़ी यानी सच्चाई जो है सिर्फ केवल भीरू यानी कह सकते हैं गरीब और जो बिलाचार लोग हैं वही सिर्फ लोग के लोगों के, के बेबस में मतलब हिस्से में पड़ी है ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है यानी कह सकते हैं लोग डगमगाने लगे हैं परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल के मनुष्य निर्मित नीतियों के त्रुटियों यानी गलतियाँ की क्या है देन है यानी जो ऊपर जो भी हमने देखा वो सारे जो है मनुष्य की एक गलतियों की ही देन है सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है उसके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदल देती यानी सरकार कोई नियम लागू करती है अगर वो सही निष्फल हो जाता तो फिर क्या करती गवर्नमेंट उस कानून को बदल देती है नियत कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सब के लिए कभी कभी एक ही नियत नियम जो होता है वो सुख नहीं होते हैं यानी कुछ कानून जो होते हैं वो गरीबों के लिए अच्छे होते हैं तो अमीरों के लिए बुरे होते हैं और कुछ गरीबों के लिए बुरे होते हैं तो अमीरों के लिए अच्छे होते हैं सामाजिक कायदे कानून अभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं इससे ऊपरी सतह आलोड़ित यहाँ पे होती है कह सकते हैं यहाँ पे दिखाई पड़ती है और पहले भी ये हुआ है और आगे भी होगा उसे देख हताश हो जाना ये ठीक नहीं है यानी कह सकते हैं स्टूडेंट्स आपके सामने जीवन में अगर कोई परेशानी अगर आती है इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन कांटों की शैली से बना हुआ है आपको उसका सामना करना चाहिए क्योंकि हर किसी के जीवन में अनेक बुराइयां और ये सब चीजें आती रहती हैं उसे हमें जीवन का हमें जो समस्या उसका सामना करना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है लोभ मोह काम, क्रोध, आदि विकार मनुष्य ने स्वाभाविक रूप से रहते हैं, परंतु उसे प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना यह बहुत निकुष्ट आचरण मतलब अच्छा आचरण नहीं है भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना और उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न कैसा सही है मतलब यहाँ पे स्थिरता से धीरेपन से शांति से परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती यानी जो बेचारा अगर बीमार है अगर उसको आप अब, अब दवा नहीं दोगे तो क्या वो बीमारी ठीक होगी क्या नहीं हो पाएगी उसी तरह यहाँ पर जो इंसान गुमराह हो चुका है उसे अगर अच्छे रास्ते पर लाना जा सकना है वो इम्पॉसिबल है मतलब ना के बराबर है हुआ यही हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरी दर्जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कानून कायदे बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति को अत्यंत उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता यानी जो सरकार जिसके द्वारा मतलब बनाई गई हैं उन लोगों को जो काम सौंपा गया है वो लोग का हर मन उनका मन जो होता है वो पवित्र नहीं होता प्राय वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की और ज्यादा ध्यान देने लगते हैं व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों के द्वारा चलित नहीं होता जिनके बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति विधान बनाए गए उतने ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार की विस्तृत होते गए यानी वैसे लोगों का लोभ यानी कह सकते हैं लाभ और मोह के विकार यानी कह सकते हैं बुरी आदतों के प्रति ऐसा फैलते गया लक्ष्य की बात वे भूल गए और आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुषी मान लिया गया यानी संयम जो है उसे यहाँ पे दकियानुषी मान लिया गया है परिणाम जो होना था वो तो हो रहा है यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा यानी कुछ लोग जो कह सकते हैं लालच भरे हैं उनके लोभ की वजह से यह जो नतीजा अभी हो रहा है परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं यानी जब कोई यह जो लोग गलत काम कर रहे हैं लोभ के काम कर रहे हैं ऐसा ऐसा लगता है कि भारतवर्ष के पुराने आदर्श और अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है आज एकाएक -एक कानून और धर्म में अंतर दिखाई दिखाया गया है यानी जो नेता लोग हैं वो आज क्या कर रहे हैं मतलब बीच में एक अंतर धर्म का अंतर दिखाई देने लगा है यानी लोग एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को लेकिन दिया जा सकता यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं ठीक है यानी धर्म के कह सकते हैं भीरू मतलब यहाँ पे आ, उसका मीनिंग हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे डरपोक यानी कायर जो हैं वे कानून के त्रुटियों के लाभ उठाने में संकोच नहीं करते यानी कानून की जो गलतियाँ हैं उस गलतियों को उसका लाभ उठाने में बिल्कुल भी डरते नहीं है इस बात से प्रत्याप्त पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो भीतर भीतर भारतवर्ष की अब भी यह अनुभव कर रहा है यानी उसके भारतवर्ष के अंदर अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है अब भी सेवा ईमानदारी सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं वे दब आवश्यक गए हैं मतलब वो अभी इस समय दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं आज भी वो मनुष्य प्रेम करता है अपने भारतवर्ष से यानी और उसे उसके कानून से महिला का सम्मान करता है झूठ और चोरी को गलत समझता है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार इतना आक्रोश है वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं मतलब गलत तरीके से धन को इकट्ठा करते हैं अथवा तो जो झूठी उनकी वाहवाही होती है वो दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है बुराई पर बुराई यह मालूम होती है कि, कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसे रस दिया जाता है और दोषद यहाँ पे दोषों का उद्घाटन को एकमात्र करते भी मान लिया जाता है यानी दो जो गलतियाँ जो होती हैं उसे उद्घाटन यानी किसी चीज़ का समारोह करने को एकमात्र करते भी मान लिया जाता है बुराई में रस लेना बुरी बात है अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात यानी कोई अच्छाई वाली बात है जैसे आपने सभी स्टूडेंट्स ने न्यूज़ पर देखा होगा कि आजकल जो न्यूज़ वाले क्या सच बात नहीं दिखाते हैं बल्कि जो गलत होता है उसे घुमा फिराकर सच मतलब गलत को भी सच दिखाने पे तुले हुए हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि अच्छाई को रस ना लेकर उसे उजागर ना करना ये और भी बुरी बात है सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने में लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती यानी अगर आप अच्छी चीज़ों को उजागर करेंगे तो लोगों के प्रति अच्छी यानी लोक चित्र की अच्छाई की भावना क्या होती है उजागर होती है जैसा कि हमारे माँ बाप हम हमारे माँ बाप हमारे टीचर्स हमसे कहते हैं कि आप बेटा अच्छे लोगों की संगति करो जिससे क्या होगा आपकी अच्छी संगति का आप पर प्रभाव पड़ेगा अच्छे लक्षण आपको देखने मिलेंगे जिस तरह अगर एक सड़ा आम की सड़ा आम अगर एक हो अगर उसे अच्छे फलों के बीच में रख दिया जाए तो वो पूरे फलों को सड़ा देता है उसी तरह अगर हम एक अगर हमारी पूरी क्लास अच्छी अगर ये कोई बच्चा ख़राब है उनके बीच अगर हम बैठते हैं तो वो पूरी क्लास को गंदा कर देता है एक बार रेलवे अब यहाँ पे जो लेखक के द्वारा जो घटना की गई बात है उसको यहाँ पे लेखक इस निबंध में बताते हैं कि एक बार लेखक रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती में गलती गलती से मैं दस रुपये के बजाय सौ रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी 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 गाड़ी से वो आकर बैठ गए थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ और उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में नब्बे रुपये उसने रख दिए और बोला यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया तो यहाँ पर कभी एक सच्चाई का एक कहानी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार कभी जो थे लेखक जो थे वो टिकट स्टेशन पर जाते हैं वो दस रुपये दस रुपये देना था तो वो सौ रुपये को दस रुपये समझ उस टिकट मास्टर को दे देते हैं और टिकट मास्टर भी उसका ध्यान देता देता नहीं जब वो ध्यान देता है तब उसे वो नब्बे रुपये वापस लौटाता हुआ वो सेकंड क्लास डिब्बे में आता है और लेखक को पहचान कर वो पैसा दे, दे देता है इस प्रकार लेखक जो होते हैं वो चकित हो जाते हैं कैसे कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त यानी ख़त्म हो गई है वैसे अनेक 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 अनवचित घटनाएं यानी जो कह सकते हैं ऐसी जो मतलब सोची भी नहीं सकती ऐसी घटनाएं है हुई हैं परंतु यह घटना ठगी और वाचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है यानी कहते हैं ना एक अच्छाई सौ बुराई के बराबर होती है यानी अगर आपको कोई अगर आपको एक अच्छाई को छुपाना है तो आपको सौ झूठ बोलने होंगे उसी तरह एक अच्छाई ही होती है वो सौ झूठ के भी मतलब उस पर पर्दाफाश कर देती है एक बार बस यात्रा कर रहा था अब यहाँ पे दूसरी घटना का वर्णन करते हुए कभी ने कहा है एक बार लेखक बस यात्रा कर रहे थे मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे तीन बच्चे थे बस में कुछ खराबी थी तो रुक कर बस जो थी वो रुक 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 कर चलती थी उसके बाद गंतव्य में कोई पाँच मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने मतलब आ, सुनसान में बस ने जवाब दे दिया यानी जो रास्ते में क्या बोलते हैं ना अब ख़राब गाड़ी चल रही रास्ते में जवाब तो ये दे ही देगी तो उसी तरह वो बस भी थी क्या होगी रास्ते में बंद पड़ गई बस में यात्री घबरा गए कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चला गया आपने देखा होगा कि बस के ऊपर एक साइकिल हमेशा रखी होती है किसी काम के लिए लोगों को संदेह हो गया कि ये हमें धोखा दे जा रहा है परंतु बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी किसी ने कहा कि यह डकैती होगी दो दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था परिवार सहित अकेला मैं ही था बच बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे पानी का कहीं ठिकाना न था ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था कि कोई डाकू हमको लूट ना ले कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और लोगों ने उसे पकड़ लिया वो बड़े कातर यानी कातर मतलब यहाँ पे अभी हमने देखा यहाँ पे यानी कह सकते हैं कायर रूप से कह सकते हैं मेरी और देखने लगे मतलब यहाँ पे कातर मतलब यहाँ पे कह सकते हैं घूर घूर कर देखने लगे मतलब भयभीत पूर्वक देखने लगे और बोले हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं बचाइए ये लोग मरेंगे डर तो मेरे मन में भी था पर उसकी कातर यानी जो भयभीत मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मार मारना ठीक नहीं है परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए कहने लगे इतनी बातों में मत इसकी बातों में मत आइए धोखा दे रहा है कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है मैं भी बहुत भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मार पी मारपीट से बचाया डेढ़ से दो घंटे बीत गए मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल यानी कह सकते हैं बहुत उत्साहित हो रहे थे मतलब प्यास ज़्यादा लग रही थी मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर दिए कर देना उसे उचित जान पड़ा यह गिड़गड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस आ रही है और उस पर हमारा बस का कंडक्टर जो है वो बैठा हुआ है उसी उसने आते ही कहा अंडे से नई बस लाया हूँ मतलब अड्डे यानी बस अड्डे से क्या है नई बस लाया हूँ और इस पर बैठिए अब यहाँ कभी देखते हैं कि अड्डे से वो नई बस लेकर आया है और इस पर बैठी है ऐसा जो कंडक्टर जो है वो सभी जो यात्री थे उनको सबको कहता है और बस चलाने लायक नहीं है फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर कंडक्टर आया पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया वहीं दूध मिल गया थोड़ा लेता थोड़ा लेता आया मतलब ले आए यात्रियों ने फिर फिर जान आई और सब ने उन्हें धन्यवाद दिया ड्राइवर ने माफ़ी मांगी और बारह बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुँच गए कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है तो कभी इन सब चीजों को देखकर ऐसा कहते हैं कि उनके सामने जो घटना हुई कि मैं कैसे विश्वास करूं कि यानी जो मानवता जो है वो अब खत्म हो गई कैसे कहूं कि लोगों में दया मया जो है वो नहीं रह गई है जीवन में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता हूं ठगा भी गया हूँ धोखा भी खाया हूँ परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखें जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्ट यानी कष्ट कर हो जाएगा यानी हमें हमारे जीवन में यानी जितनी भी परेशानियाँ आई आत, आती हों परेशानियों को हमारे हमारे मन में ना ध्यान रखकर जो अच्छाइयाँ जो खुशी के जो दिन हैं उसे हमें ध्यान रखना चाहिए नहीं अच्छी बातों को ध्यान रखना चाहिए परंतु ऐसी घटना भी बहुत कम हुई है जब लोगों को आकारण सहायता की है निराश मन को ठठस यहाँ पे दिया मतलब पूरा ठटोल दिया हो एकदम चेंज कर दिया हो हिम्मत बधाई है और कवि का रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने इस प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही नहीं उठाना पड़े धोखा ही खाना ना पड़े तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूँ ठीक है ऐसा कवि यहाँ पे कह, लेखक कहते हैं तो स्टूडेंट्स आगे कवि यहाँ पे कहते हैं मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है यानी मनुष्य की जो अलग अलग विधियाँ जो हैं वो गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं तो इन्हें बदलना भी होगा यानी समय समय पर इसमें चेंजेस भी करने होंगे वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलना बदला ही जा रहा है लेकिन अब भी आशा की ज्योति जो है वो बुझी नहीं है महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है इस पार्ट के अंदर हमने ये चीज़ सीखा यानी हमारे सामने कितनी भी परेशानियां क्यों नहीं आई हो भले लोगो लो, लो, लोगों को आप लोग ने लोगों ने आपको ठगाओ लेकिन दुनिया में हमारे भारतवर्ष में कुछ अच्छे लोग भी हैं इससे हमें यह सीख मिलती है इस प्रकार कवि कहते हैं कि मेरे हमें निराश होने की जरूरत नहीं है लेखक ऐसा कहते हैं तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये पार्ट जो है समझ में आ गया होगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू घंटी में घंटी के बेल बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगला नोट वीडियोस जो है वो आप उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाजत तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद